मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज के कुछ एक दो क्वेश्चंस है जो आपको बताने हैं और मोस्टली तो हम लोगों ने कवर कर लिए। तो चलिए देखिए, आपके एक्सरसाइज में एक एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। अब आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, उस क्वेश्चन को पढ़ो करे। जैसे मैं क्वेश्चन की रीडिंग कर रही हूँ, बुक से कर रही हूँ मैं क्वेश्चन की रीडिंग। देखिए क्वेश्चन में ये कह रखा है कि आपको क्या करना है, टेक 4 पील पोटेटो हाल्व एंड द होल। देखो इसने क्वेश्चन कह रहा है कि टेक फोर पोटेटो विदाउट पील्स। देखो आपसे पोटेटो है ना, ये देखिए पोटेटो, मैंने इसकी जो छिलके होते हैं उसको हटा रखा। कितने लेने हैं? 4 लेने। ऐसे कितने लेने? टेक 4 विदाउट पील्स, ये ले लिया पोटेटो। अब ये कह रहा है कि इस पोटेटो के अंदर आपको कैविटी, तो देखिए मैं कैविटी आपके पहले आप इसको यहाँ से थोड़ा सा फ्लेट कर दो ताकि ये ऐसे रखा जाए, है ना। अब इसमें कैविटी दो, कैविटी अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ से हटा दो थोड़ा सा और। अब देखिए यहाँ से ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको निकाल दो ऐसे बिल्कुल आराम से। अब देखिए बाहर वाला जितना थिन हो सके उतना थिन बना के आप अंदर से कैविटी बन रही है ना बेटा, देखिए अंदर और बना दो ऐसे, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही कैविटी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल थिन कैविटी बनाते चलो, बस ये ध्यान ऐसे देखिए कैविटी बन गई। क्या कैविटी आपके सामने, इसको बोलते हैं कैविटी। तो देखिए ऐसे कितने ले लिए, 4 ले लिए। देखिए मैं कैविटी और बनाती जा रही हूँ आपके सामने, ये देखिए कैविटी बन गई। तो ऐसे 4 हो गए, 1 2 3 4, लेकिन 4 वाले में बॉइल्ड लेना है। बॉइल्ड पोटेटो पता है ना आपको, घरों के अंदर अपन को पोटेटो उबालते तो वो किस टाइप का हो जाता है, तो 4 के अंदर बॉइल्ड लेना है। बाकी ए बी सी में इस टाइप का लेना है जिसमें कैविटी है। देखिए ये कैविटी रही तो मैं यहाँ रख दू इसको ऐसे। अब ये कह रहा है ये जो कैविटी ने खाली जगह बनाई है यहाँ, इसके अंदर अपन वोटर वगैरह डाल देते कुछ, है ना, ऐसे वोटर वगैरह डाल देते। चलिए तो यहाँ मैं क्या डाल दूँ, वोटर, या सब जगह क्या है वोटर। क्वेश्चन अभी तो केवल क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, वोटर। एक और कैविटी है ना, इसमें कुछ नहीं डाला, इसको खाली रख दिया ऐसे ही बस, इनपेटी। यहाँ ये क्या है, इनपेटी। इनपेटी का मतलब ये खाली है, क्या है खाली। सेकंड है ना, ऐसे ना कैविटी है ना, ये इस कैविटी के अंदर डाल दो सुगर, चाशनी जिसको अपन बोलते हैं ना, सुगर सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया? सुगर सॉल्यूशन डाल दिया। थर्ड वाले के अंदर ऐसे है ना, तो इसके अंदर क्या डाल दो, साल्ट। क्या डाल दिया? साल्ट। ये क्या डाल दिया? साल्ट डाल दिया जाता है। अब देखिए इतना काम कर लिया अपन ने, ये तो क्वेश्चन को अपन ने बिल्कुल तैयार कर लिया। अब वो पूछता क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गेदर इन होलो पोर्शन बी टू सी। बी और सी बाहर वाटर ना, ये कह रहा है कि बी और सी में वाटर अंदर क्यों जा रहा है, बी और सी में वाटर अंदर क्यों जा रहा है, ये इसका क्वेश्चन है। क्यों जा रहा है? तो देखिए क्यों जाएगा, अपन ये बताएंगे कि बी और सी में वाटर अंदर क्यों गया है, इसका रीजन देखिएगा। अंदर सुगर सॉल्यूशन है, बाहर वाटर है, यहाँ साल्ट है और यहाँ क्या है, अंदर साल्ट है ना और बाहर क्या है, वाटर। तो वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है। तो आपको पता हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाई टू लो की तरफ मूव करते हैं, तो बी और सी में जो हमने बाहर की तरफ सॉल्यूशन ले रखा है उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन में वाटर है यहाँ पे, यानी हाइपो है, ठीक है, यानी वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर मूव आउटर टू इनर, वाटर मूव आउटर टू इनर, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउटर साइड टू द इनर साइड इन द एक्सपेरिमेंट बी एंड सी, क्योंकि अंदर वाटर कम है बाहर वाटर ज्यादा है। तो बी और सी में वाटर अंदर क्यों जा रहा है,
बाय द ओस्मोसिस, बाय द ओस्मोसिस प्रोसेस वॉटर मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन समझिए क्या पूछा है, Why is potato A necessary for this experiment? अब इसको जब खाली छोड़ा था तो फिर इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत ये थी कि अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वॉटर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। ये देखो जैसे ये पोटेटो था तो ये तो एक टाइप की हो गई सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो वॉटर मॉलिक्यूल्स को पाचवे प्रोवाइड करवाती है कि आप अंदर जा सकते हो। आपको पता है कि सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देती है, बट केवल सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के होने से ही ऑस्मोसिस नहीं होगा, सॉल्यूशन भी होना चाहिए। यहाँ तो देखो सुगर सॉल्यूशन वॉटर कम है तो इसीलिए वॉटर बाहर से अंदर चला गया। अब इसमें बाहर वॉटर है बट अंदर तो कुछ है ही नहीं तो इसीलिए क्या होगा, आंसर क्या बताएंगे, पोटेटो ए फंक्शन एज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल करने वाला है विच इंडिकेट दैट द कैविटी डज नॉट इंड्यूस मूवमेंट ऑफ वॉटर। कैविटी ओनली कैविटी ही वॉटर मॉलिक्यूल्स नहीं करवा सकती, करवाने के लिए सॉल्यूशन चाहिए। सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई वॉटर डज नॉट गैदर इन द होलो आउट पोर्शन ए एंड डी। डी में चलो ए में तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं था, है ना, केवल कैविटी तो कैविटी ही नहीं करवा पाएगी मूवमेंट को, तो डी में क्यों नहीं हुआ, डी में बॉइल्ड वाटर था, बॉइल्ड होते ही सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन नॉन लिविंग हो गई, या ये लिविंग है मेम्ब्रेन क्या है लिविंग है, बट यहाँ पे क्या हो गई, बॉइल्ड होते ही नॉन लिविंग हो गई। नॉन लिविंग जो पार्ट होते हैं वो मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्लियर हो गई इतनी बात है। तो वॉटर डज नॉट गैदर पोटेटो कप ए बिकॉज इट डज नॉट पोसेस हाई ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन देन द सेल ऑफ पोटेटो। यहाँ पे कंसंट्रेशन थी नहीं तो नहीं हो पाया। डी में क्यों नहीं हो पाया कि डी में पोटेटो को बॉइल कर लिया था और बॉइल जो मूवमेंट होगा इसका मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो गई थी इनएक्टिव हो गई थी, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब इनएक्टिव होगी तो मूवमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज में आपके। एक क्वेश्चन और देखिए कि स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, मैंने इसका रिटर्न वर्क आपको दे दिया है। क्वेश्चन था व्हाई वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी बॉडी। अगर गोल्जी बॉडी नहीं होगी तो सेल की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये बात पता होगी कि गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं, जैसे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है ना, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, क्या है यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और यहाँ ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अब ये ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल्स का नाम है गोल्जी बॉडी, क्या नाम है गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, जैसे गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी वेसिकल्स वेक्यूल्स है, आपको याद होगा मैंने आपको गोल्जी बॉडी का ऐसे ऐसे डायग्राम बना के समझाया था, इस टाइप के डायग्राम बनाए थे हम लोगों ने गोल्जी बॉडी के, जब गोल्जी बॉडी की स्टडी की थी ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। देखिए गोल्जी बॉडी क्या करती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER देखिए एक तो प्रोटीन को सिंथेसिस करती है और एक लिपिड को सिंथेसिस करती है ना, तो प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस ER करती है, तो एक्स्ट्रा का जो प्रोटीन और लिपिड है उसको कलेक्ट करने का काम किसका होता है, वेसिकल्स का, गोल्जी बॉडी की जो
वेसिकल्स होती है उसको कलेक्ट करती है। दूसरी बात ये कि साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम होता है। कौन सा ऑर्गेनल्स है? लाइसोसोम ऑर्गेनल्स होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है। कई बार ये डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टोर करने का काम भी किसका होता है? किसका होगा स्टोर करने का काम भी? इस गोल्जी की वेसिकल्स का ही होगा। फिर ये गोल्जी की वेसिकल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल से क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। इतना काम है। अब आप सोचिए अगर गोल्जी बॉडी होगी नहीं तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड होकर के अदर ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब अदर ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एक सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? गोल्जी बॉडी करती है। दो क्वेश्चन थे, आराम से समझिएगा। आपको रिटर्न वर्क मैंने सेंड कर दी, यानी चैप्टर 5 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सभी स्टूडेंट चैप्टर 5 का होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया जाएगा।